बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता। अक्षय अब मराठी फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में फिल्म प्रेमियों में साउथ की फिल्मों का क्रेज काफी बढ़ गया है और बॉलीवुड की कई फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं। वहीं अक्षय कुमार की हर साल 6 से 7 फिल्में रिलीज होती हैं। इस साल भी उनकी तमाम फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इससे ना अक्षय कुमार निराश हुए और ना ही उनके फैंस। अब फिर से उन्होंने अपनी नई फिल्म के साथ कमर कस ली है। उनकी एक और फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है। खिलाड़ी कुमार अब जल्द ही मराठी फिल्म वेदांत मराठे वीर दौड़ले 7 में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन महेश मांजरेकर कर रहे हैं। वहीं इस मराठी फिल्म का टीजर भी रिलीज हो गया है। फिल्म में अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने वाले हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और अक्षय कुमार की मौजूदगी में महेश मांजरेकर ने इस मेगा फिल्म की घोषणा की थी। इसी दौरान फिल्म में अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक भी लॉन्च किया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ बिग बॉस मराठी फेम जय दुधाने, उत्कर्ष शिंदे और विशाल भी नजर आएंगे। वहीं महेश मांजरेकर के बेटे सत्य मांजरेकर भी इस फिल्म में नजर आएंगे। सत्य इसमें दत्ताजी पेज का किरदार निभाएंगे। फिल्म की कहानी 7 मराठा वीरों की है, जिनमें से एक मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे, जिनका किरदार ही अक्षय कुमार निभाने वाले हैं। वहीं वेदांत मराठे वीर दौड़ले 7 के हिंदी भाषा में भी रिलीज होने की चर्चा है। उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म के लॉन्च पर अक्षय कुमार ने बताया